ग्राम आपदा प्रबंधन योजना आवश्यकता और उपयोगिता। आपदा प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य खतरों के जोखिम और संवेदनशीलता को कम करना है। इसमें मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों ही तरह की आपदाएं शामिल हैं। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन का आशय ऐसे प्रबंधन से है जिसके द्वारा आपदा से होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। किसी भी आपदा के प्रभाव को रोकने में मुख्य भूमिका दिशा निर्देश, योजना, रणनीति, संचार आदि निभाते हैं। आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का मुख्य हिस्सा है। इसीलिए पंचायत प्रतिनिधियों को प्राकृतिक आपदा व मानव निर्मित आपदाओं के बारे में मालूम होना चाहिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्र, राज्य व जिला स्तर पर विभिन्न संस्थाएं आपदा में राहत कार्य करते हैं। किसी भी तरह की आपदा के समय पंचायतें इन्हीं संस्थाओं से संपर्क करती हैं। कई बार अपने क्षेत्र के हालातों को देखते हुए संभावित आपदा से निपटने के लिए गांव के ही युवाओं को पंचायतें प्रशिक्षण दिलवाती हैं। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। आपदा प्रबंधन निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है: तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया में सहायक, मजबूत समन्वय, प्रभावी संपर्क, संसाधनों का उपयोग, प्रशिक्षण। चलिए अब इनको विस्तार से समझते हैं। तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया में सहायक। आपदा प्रबंधन के सहारे ही संकट की घड़ी में हम तेज और मजबूत रूप से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। किसी आपदा के आने पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बारे में पहले से ही योजना बनाई जानी चाहिए। मजबूत समन्वय। किसी भी प्रकार के आपदा प्रबंधन में लोगों के बीच समन्वय का होना जरूरी है। समन्वय से ही हम अच्छे ढंग से आपदा प्रबंधन कर सकते हैं। प्रभावी संपर्क। आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में प्रभावी संपर्क सहायक है। एक अच्छी संपर्क योजना बनाने के लिए आपदा प्रबंधन के महत्व को समझना जरूरी है। संसाधनों का उपयोग। किस आपदा को रोकने में किस तरह के संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, उन संसाधनों को ऑपरेट करने की विधि क्या है, इसकी जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन को जानना जरूरी है। प्रशिक्षण। अगर लोग प्रशिक्षित हो तो आपदाओं से होने वाले नुकसान को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन जरूरी है। आपदा प्रबंधन की उपयोगिता। आपदा प्रबंधन निम्नलिखित कारणों से उपयोगी है: तत्काल राहत और बचाव, पुनर्वास, पूर्व तैयारी। चलिए अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। तत्काल राहत और बचाव। तत्काल राहत और बचाव कार्यों के लिए आपदा प्रबंधन की योजना जरूरी है। आपदा से प्रभावित लोगों को शरण स्थल, पेयजल, भोजन एवं स्वास्थ्य सेवाएं आदि देने में ये उपयोगी है। पुनर्वास। आपदा पीड़ित लोगों के जीवन को सामान्य करने में ये उपयोगी है। आपदा प्रबंधन के सहारे ही आवास, अनुदान, इलाज की सुविधा, मकानों की मरम्मत आदि मुद्दों पर कार्य किए जा सकते हैं। पूर्व तैयारी। पूर्व तैयारी का मतलब आपदाओं का प्रभावी जवाब सुनिश्चित करने के लिए पहले से की गई तैयारियों से है। इसमें आपदा आने से पूर्व चेतावनी तथा अस्थायी रूप से लोगों को सुरक्षित रखने के साथ साथ उनकी संपत्ति को भी बचाने का इंतजाम करना होता है। आओ मिलकर करें संकल्प, राहत पहुंचाना ही है विकल्प। जय हिंद, जय भारत।